काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने, उनको सेलिब्रेट करने, उनको रिकग्नाइज करने. एज एन इंडिविजुअल मेरा ये मानना है कि हम सब में ये क्षमता है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स का उपयोग ना करें और अपनी जो एक्शंस हैं, इंडिविजुअल एक्शंस हैं, उससे बहुत सारे दूसरे लोगों को जो हमारे एनवायरमेंट से जुड़े हैं, जो हमारे करीब हैं, जो हमारे आसपास हैं, वो हमें देखकर हमसे सीखे. 8 साल पहले जब मैंने अपने खुद का बॉटल लेकर मैं हर जगह जाती थी, मैंने एक हैशटैग भी बनाया था ट्रैवलिंग बॉटल, तब लोग हंसते थे, कहते थे ये तो बड़ा इनकन्वीनियंट होगा, तुम हर जगह अपना बोतल लेके पहुंच जाती हो. तो मैंने कहा कि एक एक एक्शन से ही, मतलब हर एक बूंद से ही तो समुंदर बनता है. अगर हम एक बॉटल से उसको 100,000 बॉटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 साल में आई प्रॉब्ली अवॉइडेड थाउजेंड्स ऑफ बॉटल्स फ्रॉम एंटरिंग द ओशंस एंड वाटरवेज, इट फील्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री. और ये जो एहसास है हम सब में होना चाहिए, अपने खुद का कप, अपने खुद की कटलरी, अपने खुद का बोतल. और हमारा देश दुनिया भर में प्रचलित है इस जानकारी के लिए कि हम एक्चुअली जो हमारी जो लेगेसी है, हमारा जो हेरिटेज है, वो सस्टेनेबल सस्टेनेबिलिटी से इतनी करीबी से जुड़ा हुआ है. हम जिस तरह के आज इनफैक्ट जो एग्जीबिशन में हम से गुजरे हैं और स्टॉल्स में जो हमने काम देखा है, पत्तों से बना हुआ प्लेट, पत्तों से बना हुआ कप, इंडिया कभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स का इस तरह से उपयोग नहीं करता था. आज अभी पिछले 10-20 साल में ये सब बहुत होने लगा है. और ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स है फॉर्म अ कॉम्पोनेंट ऑफ 60% ऑफ 400 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक दैट इज एंटरिंग आवर वर्ल्ड एवरी ईयर. और ये जो समस्या है ये दुनिया की समस्या है, लेकिन हम स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर इस पर काम करेंगे तो ही सोल्यूशन होगा. मैं आप सबके जरिए लोगों को इस बात का भी एहसास दिलाना चाहूंगी कि प्लास्टिक एक ड्यूरेबल मटेरियल है, तो वो 100,000 साल तक पर्यावरण में रह जाता है. इसका मतलब ये भी है कि प्लास्टिक एक्चुअली कहीं जाता नहीं, वो छोटे 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 पीसेस बनकर माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में आज की तारीख में साइंटिफिक रिपोर्ट्स के हिसाब से माँ के दूध में पाया गया है, बच्चे के प्लेसेंटा में पाया गया है, और इस पे हेल्थ का इम्पैक्ट होता है. तो हम सबको एक वॉर फुटिंग पर प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना है, और आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है. थैंक यू. थैंक यू. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet.